प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को भाजपा मंडल ने कार्यक्रम रखा। महितपुर रोड आदिगोड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सभी भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, पंकज माखरिया, ओपी गहलोत, ओम प्रकाश चौहान, अनिल जोशी, राजेश गगरानी, पार्षद विजय पोरवाल, राकेश यादव, दिनेश अग्रवाल, विजय पटेल, कमलेश शर्मा, उषा गुजर, राम सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। हाँ बताइए। मोदी 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 है तो मुक्ति है, 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 मोदी है तो मुक्ति है। तो तत्वज्ञान भी पूछते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाए कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, ये जानना चाहता हूं हम इस आधार पर क्या कर रहे हैं। ये मेरे आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूं, आपको पुराने किसे याद करा। बैठिए आप, महेश जी बैठिए, महेश जी बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का, और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर तक पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019